हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्लीप फायर गेमिंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेकेंड ओडीआई मैच होने वाला है उसका हम ड्रीम इलेवन का टीम देखेंगे। साथ में आपको गिवअवे का क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर करिएगा तो आपको रिवार्ड मिलेगा। और साथ में आपको ऐसे 8 की प्लेयर बताऊंगा जिन्हें आप रख लेके चलेंगे तो आप अपना मेगा और स्मॉल लीग आराम से जीत जाएंगे। पिछला मैच में भी मैंने बताया था ट्रेविस हेड को कैप्टन ओपन करके चलिएगा, मानस लबुसाने को भी बताया था, तो काफ़ी अच्छे पिक्स होने वाले हम बताएंगे। तो अब आ जाते हैं अपना इंग्लैंड की तरफ से जो पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसको देख लेते हैं। फिल शॉर्ट, विल जैक्स, बेन डकेट, लियम लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक, जेम्स स्मिथ, जैकब बेथल, ब्रैंडन क्रिज, आदिल रसीद, मैथ्यू पॉट्स और जोफ्रा आर्चर। ये थे इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आ जाते हैं अपना जो ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसको देख लेते हैं। तो एलेक्स कैरी, स्टेवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन गिल, मानस लबुसाने, मिचेल मार्श, एरन हार्डी, एडम जंपा, बेन डॉर्सविस, शेन एबट और मैथ्यू शॉर्ट। ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आ जाते हैं अपना वेन्यू देख लेते हैं। तो वेन्यू है हेडिंगले, लीड्स में होने वाला ये मैच है। यहाँ एवरेज इनिंग का स्कोर 277 है, पेसर्स को 51 और स्पिनर्स को यहाँ पे 23 विकेट मिले हुए हैं, मतलब कि पेसर्स ज़्यादा गेम में रहते हैं तो इस हिसाब से अपनी टीम में लेके चलिएगा। अब आ जाते हैं अपने इंग्लैंड की तरफ से जो वॉच आउट प्लेयर है उनको देख लेते हैं। विल जैक्स, पिछले मैच में भी बताया था मैंने कि विल जैक्स काफ़ी अच्छी पारी खेलने वाले हैं, अच्छे पिक्स नज़र आ रहे हैं। इस मैच में भी आपको काफ़ी अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, इनको अपनी टीम में लेके चलिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन मत करिएगा, टीम में लेके चलिएगा। बेन डकेट, पिछले मैच में भी बताया था काफ़ी अच्छे पिक्स होने वाले हैं, इस मैच में भी अच्छे पिक्स होने वाले हैं, 50-60 रन की तो पारी आपको खेल के नजर आएंगे। फिल शॉर्ट, इस मैच में अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे आपको, पिछले मैच में आउट हो गए थे थोड़ा जल्दी, लेकिन इस मैच में आपको अच्छी पिक्स है, अच्छी वाइब्स है इनके तरफ से और काफ़ी अच्छे पिक्स होने वाला है आपके लिए। हैरी ब्रुक और आदिल रशीद, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, दोनों को भी रख सकते हैं, अच्छी पिक्स दोनों होने वाले हैं। हैरी ब्रुक का थोड़ा नीचे बैटिंग रहेगा इसलिए हम हैरी ब्रुक की जगह पे आदिल रशीद को कंसीडर कर रहे हैं, या फिर कोई जो बॉलर खेलेगा बेन डॉर्सविस उसको भी लेके चल सकते हैं, वो भी अच्छी पिक्स होने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपना जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वॉच आउट प्लेयर हैं उनको देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, मतलब आँख बंद के इनके पे भरोसा कर सकते हैं, पिछले मैच में तो 100 कुछ रन की पारी खेल के गए थे, इस मैच में भी अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी पिक्स हैं। स्टेवन स्मिथ, पिछले मैच में थोड़ा अनलक्की रहे थे लेकिन इस मैच में आपको अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे। मार्लस लबुसाने, इसलिए अगर जो बॉलिंग आ गई तो बॉलिंग से विकेट तो मार ही रहा है भाई, बैट्समैन को भी बॉलिंग करा दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, कुछ भी कर रहे हैं तो अच्छे पिक्स होने वाले हैं। मार्लस लबुसाने भी और बॉलिंग बैटिंग से तो ऑप्शन आई है। एडम जंपा, बॉलिंग से आपको पिक रहेंगे ही, शेन एबट भी रख सकते हैं, वो भी अच्छी पिक्स होने वाले हैं आपके लिए। अब आ जाते हैं ड्रीम इलेवन पर। ड्रीम इलेवन पर आने से पहले हम आपको गिवअवे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबसे अधिक फैंटेसी पॉइंट कौन सा प्लेयर देगा उसका नाम गेस करना है और आपको गिवअवे के रूप में 100 रुपये का रिवार्ड मिल जाएगा। जितने लोग नाम गेस करेंगे उनका उनको रिवार्ड मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने ड्रीम इलेवन पर, और ड्रीम इलेवन पर आकर हम अपना टीम बना लेते हैं। तो विकेट कीपिंग सेशन से हम फिल शॉर्ट को लेकर चलेंगे, बाकी किसी को नहीं लेकर चलना है। बैटिंग सेशन से ट्रेविस हेड को लेकर चलेंगे, स्टेवन स्मिथ को लेकर चलेंगे, बेन डकेट को लेकर चलेंगे और मानस लबुसाने को लेकर चलेंगे, बाकी कोई नहीं लेकर चलना है फिलहाल के लिए, बाद में देखा जाएगा। यहाँ से मैं विल जैक्स को लेकर चलूँगा और मैथ्यू शॉर्ट को लेकर चलूँगा। कैमरन ग्रीन और लियम लिविंगस्टन भी अच्छे पिक्स हैं तो कैमरन ग्रीन को लेकर चलना है, बाकी अभी फिलहाल के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। एडम जंपा लेके चलना है, आदिल रशीद लेके चलना है, बाकी बेन डॉर्सविस और शेन एबट भी अच्छे पिक्स हैं, चाहे इनको भी लेके चल सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ से मैथ्यू शॉर्ट को भी लेके चल रहा हूँ। मैथ्यू शॉर्ट कहाँ गए, मैथ्यू शॉर्ट तो ले आया हूँ, लियम लिविंगस्टन को भी ले ले रहा हूँ। ये सब हमारी पिक्स हो गए। अब आ जाते हैं अपना जो कैप्टन मैं करूँगा, यहाँ पे विल जैक्स को आज कैप्टन कर रहा हूँ और मैं फिल शॉर्ट को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है फिल शॉर्ट आज अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैप्टन भी मैं फिल शॉर्ट को कर सकता हूँ, वो भी अच्छी पारी होने से हो सकती है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से फिल शॉर्ट, बैटिंग सेक्शन से स्टेवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, बेन डकेट और मानस लबुसाने, ऑलराउंडर सेक्शन से मैथ्यू शॉर्ट, लियम लिविंगस्टन, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन और बॉलिंग सेक्शन से आदिल रशीद और एडम जंपा। कैप्टन मेरे होंगे विल जैक्स और वाइस कैप्टन होंगे फिल शॉर्ट। आप चाहे तो ट्रेविस हेड को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट भी अच्छी पिक्स हैं उनको भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी टीम। और अब आप आ जाते हैं अपना जो आज का दूसरा मैच होने वाला CPL का, उसका हम ड्रीम इलेवन का टीम बना लेते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो CPL का जो मैच होने वाला है सेंट लूसिया किंग वर्सेस बारबाडोस रॉयल के बीच में, उसका हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखेंगे और साथ में आपको गिवअवे का क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसको भी आंसर करिएगा। आपको वॉच आउट प्लेयर बताऊंगा, उनको अपनी टीम में लेके चलिएगा, मेगा और स्मॉल लीग आराम से जीत जाएंगे। तो अब आ जाते हैं अपना जो सेंट लूसिया की तरफ से प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसको देख लेते हैं। टीम सेफर्ट, जॉनसन चाल, भानुका राजापच्चे, फॉफ डुप्लेसिस, रोस्टन चेज, डेविड विसे, अलजारी जोसफ, खैरे पेरी और नूर अहमद, अकीम अगस्ता और सेड्रिक्स डस्क्रेट्स। ये तो हो गए सेंट लूसिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आ जाते हैं बारबाडोस रॉयल की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं।
तो क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, रोमन पावेल, अकिल अलिक अथेनाजे, जसन होल्डर, रखीम कार्नवाल, नियम यंग, कदीम एलन, महेश तिक्षणा, ओबेड मका, नवीन उलहक। ये तो हो गई बारबुडास रॉयल की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आ जाते हैं अपना जो वेन्यू है, वेन्यू देख लेते हैं। तो ये गुआना नेशनल क्रिकेट स्टेडियम गुआना में होने वाला ये मैच है। यहाँ पे एवरेज इनिंग का स्कोर 141 है, पेसर्स को यहाँ पे 41 विकेट और यहाँ पे स्पिनर्स को यहाँ पे 36 विकेट मिले हुए। मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लो स्कोरिंग पिच होने वाली है और पिछले कुछ मैचों से लो स्कोरिंग चली रहा है सीपीएल का मैच। तो अब आ जाते हैं सीपीएल की तरफ से जो वॉचआउट प्लेयर है उनको देख लेते हैं। टीम सेफर्ट अपनी टीम में लेके चलिएगा, अच्छे पिक्स होने वाले हैं। थोड़ा नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं लेकिन अच्छे पिक्स होने वाले हैं आपके लिए, इनको लेके चलिएगा। डेविड भी से अच्छे पिक्स होने वाले हैं यहाँ पे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको बैकअप रहेगा। बैटिंग से तो थोड़ा सा पॉइंट दे देंगे, बॉलिंग से आपको पूरा भरपूर पॉइंट दे के जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी अच्छी पिक्स हैं। रोस्टन चेज ये भी अच्छी पिक्स होने वाले हैं आपके लिए आज के मैच में, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से आपको विकेट और बैटिंग से पॉइंट देके जाएंगे। जॉनसन चाल काफ़ी अच्छी पिक्स होने वाले हैं, ओपनिंग करने आएंगे, ओपनिंग या वन डाउन पे आएंगे और आपको अच्छी पॉइंट्स देके जाएंगे बैटिंग से। अब आ जाते हैं बारबाडोस रॉयल की तरफ से वॉच आउट प्लेयर देख लेते हैं। तो क्विंटन डिकॉक हर मैच में बंदा परफॉर्म कर रहा है, इनको अपनी टीम में लेके चलिए, कैप्टन वाइस कैप्टन कह सकते हैं अच्छी पिक्स होने। रखीम कार्नवाल ये भी अच्छी पिक्स होने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी पिक्स हैं। एक तो ओपनिंग या वन डाउन करने आएंगे और साथ में बॉलिंग अगर जो इनको मिल जाती है तो बॉलिंग से भी विकेट मार के जाएंगे, अच्छी पिक्स होने वाला। जसन होल्डर ये भी अच्छी पिक्स होने वाले हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ऑप्शन रहेगा। ओबिड में अच्छी पिक्स होने वाले हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक्स होने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं इसका ड्रीम इलेवन पर, और ड्रीम इलेवन पर आकर हम अपना टीम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने ड्रीम इलेवन पर। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लेके चलेंगे क्विंटन डिकॉक, टीम सेफर्ट, जॉनसन चाल, तीनों को लेके चलना है। बैटिंग सेक्शन से हम लेके चलना है रोमन पावेल और अकिल अथनाजी को, बाकी तीसरा किसी को नहीं ले चलना है। डेविड मिलर भी बाद में देखा जाएगा, फॉफ डू प्लेसेस उतने अच्छे टच में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम रोमन पावेल की जगह पर हो सकता है फॉफ डू प्लेसेस को ले लें, ये भी ठीक ठाक रहेगा। जसन होल्डर लेके चलेंगे, डेविड विसे लेके चलेंगे, डस्टन चेज लेके चलेंगे, अकीम कार्नवाल ये भी लेके चलेंगे, बाकी दूसरा को यहाँ से नहीं ले रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन से हम महेश तिक्षणा लेके चलना है, नूर अहमद लेके चलना है, ओबिड मकाई को भी रखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से किसी को ड्रॉप करना होगा और मैं यहाँ से अकील अथनाजी को ड्रॉप करके मैं यहाँ से ओबिड मकाई को लेके चल रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई उतना अच्छा पिक्स नज़र नहीं आ रहा है। कैप्टन मैं करूँगा यहाँ पे रोस्टन चेज को, कैप्टन मैं करूँगा क्विंटन डिकॉक को, वाइस कैप्टन मैं करूँगा रोस्टन चेज को, अच्छी पिक्स मुझे रोस्टन चेज आज के मैच में नज़र आ रहे हैं तो इनको वाइस कैप्टन करके चलूँगा। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से देख लीजिए जॉनसन चार्ज, क्विंटन डिकॉक, टीम से पार्ट, बैटिंग सेक्शन से फॉफ डू प्लेसेस, ऑलराउंडर सेक्शन से डेविड विसे, जसन होल्डर, रखीम कार्नवाल और रोस्टन चेज, बॉलिंग सेक्शन से ओबिड मका, नूर अहमद और महेश तिक्षणा, कैप्टन मैं करूँगा क्विंटन डिकॉक, वाइस कैप्टन रहेंगे रोस्टन चेज। तो ये तो हो गई हमारी टीम, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।